हेलो बच्चों, आज हम क्लास सिक्स के इंग्लिश यानी सकल बुक का चैप्टर नंबर 4 एन इंडियन अमेरिकन वीमेन इन स्पेस कल्पना चावला पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, ये जो वीडियो है ये इस चैप्टर का एक शॉर्ट समरी वीडियो है। अगर आपको ये चैप्टर डिटेल में लाइन वाइज बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के एक डिटेल्ड वीडियो पहले से अपलोडेड है उसे देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में बच्चों हमें कल्पना चावला जी के बारे में बताया गया है। चैप्टर की शुरुआत में हमें यहाँ पर एक न्यूज़ रिपोर्ट देखने को मिल जाती है। जो न्यूज रिपोर्ट में लिखा है कि एक यूएस स्पेस शटल जिसका नाम कोलंबिया है, जब वो स्पेस से अर्थ पे वापस आ रहा था तो 1 फरवरी के दिन, जो शनिवार का दिन था, जैसे ही वो टेक्सस के पास पहुंचा और अब वो लैंडिंग करने ही वाला था कि उसमें अचानक आग लग गई और उसमें बैठे सभी लोग मारे गए। और उस स्पेस शटल में बच्चों कौन बैठा था? उसमें बैठे थे इंडियन बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला, जिनको आप सभी जानते हैं, ये इंडिया की पहली ऐसी वीमेन है जो कि स्पेस में गई थी। इनके साथ बच्चों 6 और भी एस्ट्रोनॉट्स थे जो कि स्पेस में गए थे ऊपर, और वहां पे उन्होंने करीब 16 दिन बिताए थे। वो सातों मेंबर्स ने वहां पे करीब 80 एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे, 80 तरीके के अलग अलग प्रयोग किए थे। और वहां पे वो लोग 16 जनवरी 2003 के दिन गए थे। कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से इनका स्पेस शटल जो है वो उड़ा था, और जो वो वापस आ रहा था 1 फरवरी 2003 को, तो जब वो 2,00,000 फीट की ऊंचाई पर था और 20,000 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा था, तो अचानक ही उसने नासा के साथ अपना कांटेक्ट जो है वो ब्रेक कर दिया। और थोड़ी देर बाद हमें पता चला कि उसमें अचानक आग लगने की वजह से वो सातों के सातों एस्ट्रोनॉट्स उसमें जो बैठे थे वो मारे जा चुके हैं। ये जो न्यूज थी बच्चों बहुत ही ट्रेजिक न्यूज थी, बहुत ही ट्रेजिडी वाली न्यूज थी, क्योंकि इस तरीके से एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। वो जो स्पेस शटल था जिसका नाम कोलंबिया था, उसको बच्चों माना जाता था कि वो 100 फ्लाइट्स तक, मतलब 100 बार अगर स्पेस में आएगा और जाएगा तब तक वो सेफ है, उस पर जाया आ जाया जा सकता है। लेकिन अभी उसकी 28th फ्लाइट ही थी है, और 28th फ्लाइट में ही वो इस तरीके से फ्लेम्स में जल गया। तो बच्चों आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी न्यूज रिपोर्ट में क्या लिखा है। यहाँ नीचे फिर कल्पना चावला जी के जीवन के बारे में हमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, एक छोटी सी झलक दिखाई है कि किस तरीके से कल्पना चावला जी का जीवन था। कल्पना चावला का जन्म करनाल नाम के डिस्ट्रिक्ट में जो कि हरियाणा में है, वहां पर हुआ जन्म उनका। और वो टैगोर स्कूल की पढ़ने वाली थी, वहां से उन्होंने ग्रेजुएशन करी, उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस में डिग्री ली थी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किया हुआ था उन्होंने। और उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि वो आगे की पढ़ाई करें, लेकिन फिर भी वो मास्टर डिग्रीज करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स चली गई। वहां पे उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD करी। कल्पना चावला पहली इंडियन वीमेन थी स्पेस में गई थी। यहाँ पे आप उनकी इमेज देख सकते हैं, कितना प्यारा मुस्कुराता हुआ सा उनका चेहरा है। साथ में यहाँ पे लिखा है कि किस तरीके से जब वो पहली बार स्पेस में गई, बच्चों कल्पना चावला जी 2 बार जो है स्पेस में जा चुकी हैं, जब वो पहली बार स्पेस में जा रही थी तो किस तरीके से पूरा का पूरा हरियाणा और बल्कि पूरा का पूरा इंडिया जो है वो टीवी के आगे टकटक के लगा करके देख रहा था कि किस तरीके से वो स्पेस में गई हैं। साथ में यहाँ पे उनके अदर क्वालिफिकेशंस के बारे में लिखा हुआ है, और ये भी लिखा है कि उन्होंने एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरिन हैरिसन से शादी करी, और वो एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर खुद भी थी, और उन्होंने सिंगल और मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स उड़ाना सीखा हुआ था, सिंगल इंजन सी प्लेन्स उड़ाना सीखा था, साथ में ही उन्हें ग्लाइडर्स भी उड़ाने आते थे। इसके अलावा फिर वो और चैलेंज लेना चाहती थी अपनी लाइफ में, तो उन्होंने नासा स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया, जिसमें 1994 में उनका सिलेक्शन हो गया एज एन एस्ट्रोनॉट, और स्पेस में जाने के लिए उन्हें चुना गया। वो कहती हैं कि उन्हें अपने इस ड्रीम को पूरा करने में भी कभी भी किसी भी तरीके की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो एक औरत हैं और दूसरे देश से आती हैं, दूसरी कंट्री से आती हैं, इस वजह से उन्हें कभी भी किसी तरीके की कोई कठिनाई नहीं आई, क्योंकि उनके अनुसार उनके आसपास के जो लोग थे वो बहुत ही अच्छे लोग थे, जो उन्हें हमेशा एंकरेज करते थे कि वो अपने सपने को पूरा करें। कल्पना चावला जी जब पहली बार स्पेस में गई थी तो वो 15 दिन तक स्पेस में रह करके आई थी। जो उनकी जो जर्नी थी वो 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट लंबी रही थी, और वो इसी स्पेस शटल में बैठ करके पहली बार भी स्पेस में गई थी, जिसमें कि दूसरी बार आते समय उनकी मृत्यु हो गई। उस स्पेस शटल का नाम बच्चों कोलंबिया है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और साथ में यहाँ पे ये भी लिखा है कि जब वो पहली बार स्पेस में गई थी तो उन्होंने 252 टाइम्स अर्थ का चक्कर लगाया था, जो कि 10.45 मिलियन किलोमीटर लंबा था, और उनके साथ जैपनीज और यूक्रेन के और एस्ट्रोनॉट्स भी गए हुए थे। जब सैटरडे नाइट को कोलंबिया के डिजास्टर की खबर आई, कोलंबिया के आग लगने की खबर आई कि वो स्पेस शटल जल चुका है
और कल्पना चावला और बाकी स्पेस यात्री जो थे वो सारे मारे जा चुके हैं। तो ये एक बहुत ही शॉक और डिसबिलीफ वाली बात थी, कोई भी व्यक्ति इस बात पर यकीन नहीं करना चाहता था। एक न्यूज रिपोर्टर ने, एक जर्नलिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि शी वॉज अ हीरोइन, वो एक हीरोइन थी, और ऐसी एबिलिटी दिखाने के लिए, इस तरीके से एस्ट्रोनॉट बनने के लिए और इतनी यंग एज में एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपको बहुत ही इंसाइक्लोपेडिक नॉलेज की जरूरत होती है, और वैसे नॉलेज जो थी, इतनी सारे ज्ञान की जो जरूरत होती है, वो सारा ज्ञान कल्पना चावला जी में था, और वो एक रियल लाइफ हीरोइन थी। और जब उन्हें इस तरीके से किसी घटना का सामना करना पड़ा और उनकी डेथ हो गई, तो उस समय पूरा देश जो है वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था, और सभी लोगों की जो नाइट थी वो एक स्लीपलेस नाइट की तरह भी थी। मतलब कोई भी इंसान उस दिन सो नहीं पाया जब उन्होंने कल्पना चावला के इस डिजास्टर की बात सुनी। कल्पना चावला जी जब एक बार अपने कॉलेज में जहाँ पे वो पढ़ती थी चंडीगढ़ में, वहाँ गई स्टूडेंट्स को लेक्चर देने के लिए, तो उन्होंने बताया उन सबको कि हमारी जो ड्रीम का रास्ता है, हमारी सक्सेस का रास्ता है, वो एग्जिस्ट करता है, और हमें सिर्फ एक विजन चाहिए होता है उसको ढूंढने का, और करेज चाहिए होता है उस रास्ते पे चलने का। मतलब हम सभी जो चाहते हैं अपने जीवन में प्राप्त करना, उन सभी चीजों को प्राप्त किया जा सकता है, बस उसके लिए हमें एक सही रास्ता ढूंढने की जरूरत होती है, और उस पर बिल्कुल कड़ी मेहनत के साथ बिना किसी डर के चलने की हिम्मत की जरूरत होती है। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और साथ में हमारी वीडियो भी पसंद आई होगी, तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर में जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं और साथ में चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट allsol.in पर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन बच्चों फॉर वॉचिंग।